नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे स्टडी वे के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का। और लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था फॉर मैथ के लिए, तो मैथ के लिए इस पीढ़ी के लिए मैंने बता दिया है कौन से बुक आपके लिए बेटर होगा, और उससे जो है जितने प्रैक्टिस सेट है आप पूरे सही से कर जाइए। प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस आए हुए उस स्पीडी के जो मैथ है उसमें आपको मिल जाएंगे। ग्रुप डी और रेलवे के जो एएसएम तथा रेलवे के सभी एग्ज़ाम के मिल जाएंगे आपको। तो आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एएलपी हो या एएसएम या फिर रेलवे ग्रुप डी जो आपकी आने वाली है, उसके लिए आपके लिए वही बेटर बुक है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, उस लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को देख कर आप उस बुक को बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके नियरेस्ट अगर कहीं पर मिल रहा है तो आप उस बुक को भी ले सकते हैं और उसका सेट को लगाइए। प्रीवियस ईयर के काफ़ी यूज़फुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। आज हम बात करेंगे, देखिए मैथ हो गया और अब बात करते हैं जीके के। जीके में क्या है, सिलेबस को देखते हुए अगर सिलेबस को देखा जाए तो जीके में जो दिया हुआ है 10 स्टैंडर्ड के आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस, लाइफ साइंस जो है वो आने वाले, जीव विज्ञान, तो ये आपके 10 स्टैंडर्ड के हो गए। तो मैं आपको जो बुक आज दिखा रहा हूँ वो साइंस जो है आपका इसी बुक से कवर रह जाएगा। यदि आप इस बुक को ख़त्म कर देते हैं, यदि इस बुक को आप ख़त्म कर देते हैं तो इसमें से 80% जो है आप पूरे कवर कर लेंगे साइंस के क्वेश्चंस। देखिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान, लगभग सारे विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ आपको मिल जाएंगे। और देखिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, आरआरबी जम्मू में जो 1992 में आया है, भोपाल में आया हुआ क्वेश्चंस है, और यहाँ पर चेन्नई में जो आया हुआ है। देखिए पोटेशियम का कार्य क्या होता है, ये हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान को कार्य को संचालित करता है। तो इस प्रकार से जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए हुए हैं। तो आपको जो प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए वो आपको कहीं नेट पे सर्च या कहीं से खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इस बुक में मिल जाती है। अगर आप सभी को पढ़ जाते हैं तो 80% तो आपके आ ही जाएंगे यहाँ से, कुछ 80% जो है आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। देखिए प्रीवियस ईयर के सारे यहाँ पर, देखिए न्यू वर्जन का है, 1992 से 2018 तक का, मतलब विज्ञान 27 वर्ष का हल प्रश्न पत्र आपको साइंस का पूरा यहाँ मिल जाता है, जो बहुत बड़ा होता है। आप इस बुक को ले लीजिए, काफ़ी अभी समय नहीं है ज़्यादा, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप पढ़ने के तरीके के बारे में कुछ बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर, यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मिश्र धातु और उनके घटक है, तो मिश्र धातु और उसके घटक को याद करने का मैंने एक ट्रिक बता रखा है। मेरे चैनल्स पर जाकर विजिट करिए, सारे आपको मिश्र धातु और उसके घटक याद हो जाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, पीतल। ये पीतल का घटक जो है वो कैसे याद करेंगे, तो पीतल के धातु में क्या है, कांजी जम जाती है। क्या जमती है, कांजी। तो कांजी से कापर यानी तांबा, आजी से जस्ता। अब तो पीतल के बर्तन में जब कांजी जम गई तो मैंने क्या किया, जर्मन सिल्वर के बर्तन रहे तो उसमें कांजी नहीं जमी, यानी कापर, जस्ता और निकेल। तो इस तरह करके मैंने सारे बताया हुआ वहाँ पर ट्रिक आपको इजीली आता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर रोगों से प्रभावित होने वाले अंग है, कौन से रोग कौन से अंग को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर भी ट्रिक के माध्यम से आप याद करिएगा। रटिएगा मत, रटने से क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में भूल जाएगा। ऐसा ट्रिक कुछ अपने से बनाइए कि आपको ये याद रहे, ठीक है। तो देखिए जैसे खांसी, जब हम खांसते हैं तो फेफड़ों पे असर होता है, खांसेंगे तो कहाँ असर होगा, फेफड़ों पे, तो खांसने से फेफड़ा, ठीक है। इस तरह से आप
याद रखिएगा, रोगों को प्रभावित करने वाले जो हैं यहाँ पर अंग होते हैं, इसको याद करिएगा। तो जितने भी है सब ट्रिक के माध्यम से आप याद करिएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर सभी अच्छे तरीक़ा से दिया हुआ है, दूरी मापने का कुछ मतलब 10 10 के विभिन्न घातकों के दिया है, ध्वनि के स्रोत, उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता, सबसे रोगों से संबंधित, जैसे देखिए टीवी जो है किस टीके से संबंधित है, तो BCG, इस तरह करके बहुत अच्छा तरीके से दिया है। देखिए दूध का जो है 6.4 होता है, रक्त का 7.4, तो सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सेट भी दिया हुआ है, सेट जब पढ़ने के बाद आपको सेट भी लगाने के लिए दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हवा के ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस तरह ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है, ले लीजिए और सबको एक बार पढ़ जाइए, ट्रिक बनाने का कोशिश करिए और ट्रिक बनाकर इसको पढ़िए, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये बुक है रेलवे की सामान्य विज्ञान, काफ़ी अच्छी बुक है। प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं प्लस क्वेश्चन और सेट सभी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो फटाफट तैयारी कर जो है पढ़कर सेट लगाना स्टार्ट कर, जितना हो सके क्वेश्चंस को एक दिन में ख़त्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि काफ़ी समय अब समय नहीं है आपके पास। और आपके यदि जिन स्टूडेंट ने ये ले रखा है और उसे यदि पढ़ चुके हैं पूरे, तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिवीजन पे रखिए और सेट लगाइए। अब जितना हो सके तो सेट लगे। तो ये बुक थी रेलवे सामान्य विज्ञान की, स्पीडी पब्लिकेशंस के, जो आपको मैंने वीडियो के माध्यम से बताना जरूरी समझा, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रही किस विज्ञान के लिए कौन से बुक परचेज करें और क्या पढ़ें, तो उनके लिए था। तो ये वीडियो बनाना मैंने ज़रूरी समझा। और इसमें देखिए अच्छी बुक है, ले लीजिए यदि लेना चाहते हैं, आइडिया नहीं था तो, अगर है तो उसको पूरा फिनिश करने की कोशिश करिए, लगभग आपको सभी क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और वीडियो पे और चैनल्स पे बने लग रहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं इसी तरह के सारे न्यू अपडेट शेयर करते रहता हूँ अपने चैनल्स पे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, कीप वॉचिंग माई स्टडी वी यूट्यूब चैनल, थैंक यू।